सब्सक्राइब करें एजुकेशन इन्फो टीवी को और साथ बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस करें एजुकेशन से मुतालिक नई वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल करीम। एजुकेशन इन्फो टीवी में खुश आमदीद। एजुकेशन के हवाले से अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये बताऊँगा कि सरकारी मुलाजमीन टीचर्स की 15 से 25% अलाउंस में इजाफ़ा किया गया है। अब ये कौन सा अलाउंस है और इसमें क्यों इजाफ़ा किया गया है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एजुकेशन से मुतालिक लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो बात करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन जितना भी टीचर्स हैं उनके मेडिकल अलाउंस में 15 से 25% रिकॉर्ड इजाफ़ा किया गया है। अब ये इजाफ़ा क्यों किया गया है, इसकी वजह ये बनी है कि ऐसे तमाम टीचर जिनकी प्रमोशन हुई है या अपग्रेडेशन हुई है, मतलब अगर जो टीचर्स 15वें स्केल में थे जब उनकी अपग्रेडेशन हुई 16वें स्केल में गए या 16वें से 17वें स्केल में गए तो उनके जो मेडिकल अलाउंस था अगर किसी टीचर का तो उसके मेडिकल अलाउंस में 15 से 25% तक इजाफ़ा किया गया। जितना भी सरकारी टीचर्स हैं जिनकी अपग्रेडेशन हुई या स्केल रिवाइज हुए जिन टीचर्स के, तो उन टीचर्स के मेडिकल अलाउंस में 15 से 25% इजाफ़ा किया गया। तो अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से इसे लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।